धन्यवाद है। नेक्स्ट टॉपिक लेजर। लेजर तो देखी होगी, नाम तो सुना होगा, ठीक है। वो जो लेजर है, लेजर जो है ये एब्रीविएशन है, एक फुल फॉर्म है इसकी, उसका नाम है, इसको देखो, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड मिशन ऑफ रेडिएशन। समझ आया? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड मिशन ऑफ रेडिएशन। अब ये बड़ी लंबी कहानी है लेजर की। लेजर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी इधर टेक्नोलॉजी में बहुत यूज होता है। इसके यूजेस हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये देखो कि ये लेजर होती क्या है और ये काम कैसे कर रही है, ठीक है। लो जी, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब इसमें देखो, एक वर्ड अपने पास लाइट। अब हमें पता है कि लाइट जो है ये हमारे पास वो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, उसमें आ जाती है, ठीक है, वो विजिबल रीजन है उसमें आ जाती है। फिर एम्पलीफिकेशन क्या होती है? एम्पलीफिकेशन हमने पीछे भी पढ़ी थी, उसको क्या कहते हैं, बढ़ावा। चीज़ को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। अब हमें तो पता है कि भाई हम किसी भी डिवाइस को जितनी एनर्जी देंगे वो हमें उतनी ही रिटर्न करेगी, बट आइडियल कंडीशन में उतनी रिटर्न करेगी। इन रियल सिस्टम कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ाया हो जाती है उस सिस्टम के अंदर। जैसे अगर ये बल्ब है तो ये मैक्सिमम जितनी इसको एनर्जी मिल रही है ये उतनी नहीं दे रहा, कुछ एनर्जी ज़ाया हो रही है। आप देखो ये हीट हुआ पड़ा होगा, ठीक है, हीट में डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। स्टिमुलेटेड, ये हमने एक नई चीज़ आपके लिए आएगी। और इमिशन, इमिशन आपको पता है इमिशन क्या होता है? निकलना, वो जो इमिट होना होता है। और रेडिएशंस, रेडिएशंस आपको पता है, रेज, शुआएं, वो जो रेज है। अब अगर हम लाइट की बात करें ना, आम बल्ब की, तो अगर इस कमरे में अगर मैं आम बल्ब चला दूं तो आप देखोगे उस आम बल्ब से ना लाइट्स निकलेंगे, ठीक है। आपको सर ये लाइट बढ़ाई जा सकती है अगर इसके बैक एंड पे हम करंट की वैल्यू को बढ़ा दें, लेकिन करंट को बढ़ाने से आपको पता है एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इस फैक्टर को जरा ज़हन में रखें कि हमने लाइट को बढ़ाना है प्लस रेडिएशंस जो आ रही हैं उस बल्ब से वो हर डायरेक्शन में फैलेंगी, हर डायरेक्शन में फैलेंगी। और आप देखोगे कि अगर इस जगह बल्ब लगाया हुआ है, इस जगह बल्ब लगाया हुआ है तो क्या होगा, इससे जो रेडिएशंस निकलेंगी वो हर डायरेक्शन में रेडिएशंस निकलेंगे। बैठ जा, हर डायरेक्शन में रेडिएशंस निकलेंगे, ऐसे नहीं है। और कैसी निकलेंगी? व्हाइट लाइट निकलेगी। और किस कैसी फ्रीक्वेंसीज की निकलेंगी? डिफरेंट। सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिफरेंट। दूसरा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्शंस क्या होंगी रेडिएशंस की? वो भी डिफरेंट। इवन के सेम फ्रीक्वेंसी वालों की भी डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट होगी। फिर एक टर्म आती है फेज ऑफ वाइब्रेशन। वो आपने फर्स्ट ईयर में अगर चैप्टर 8 पढ़ा हुआ है, 7, तो उसके अंदर है फेज ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस वाला जो फेज है वो क्या होता है कि जो स्टार्टिंग इनिशियल फेज है किसी भी वेव का, वो सबका क्या हो सकता है? डिफरेंट। कोई 90 एंगल पे निकल रही होगी, कोई 90 के फेज पे निकल रही है, कोई 30 के, कोई 50 के, कोई 70 के, कोई 0 के, सबका फेज क्या होगा? डिफरेंट। इसका मतलब है कि ओवरऑल ये वेव्स क्या है? इनकोहेरेंट, ठीक है। दूसरा, चूंकि मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज हैं और हर फ्रिक्वेंसी डिफरेंट कलर शो करवा रही है, तो फिर ये क्या हुई? ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक ना हुई बल्कि मोनोक्रोमेटिक वाला बिहेवियर भी इसमें नहीं होगा, और ना ही ये क्या होंगी? इनकोहेरेंट या कोहेरेंट नहीं होंगी। अब कोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट क्या होता है? लाइक एक जैसी। एक जैसी का मतलब क्या है कि उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो और उनका फेज ऑफ वाइब्रेशन भी क्या हो? सेम हो। अगर मैं इधर से फर्ज कर लो कि मैं इधर से लाइट इस तरफ आ रही है और ये स्लिट लगी है, तो आप देखोगे इसमें यूं यूं बन रहा होगा सीन, ये करके। अभी देखो क्या है कि इसके अंदर रेड भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है और ग्रीन भी आ रहा है, और भी होंगे जाहिर सी बात है जो हमारे कलर्स हैं। अगर मैं इनके ऊपर किसी तरह का फिल्टर लगा दूं और सिर्फ एक कलर को अलाउ करूं, जैसे कि मैंने इधर ये वाला फिल्टर लगा दिया रेड, वो जो आपकी रेड कलर की आजकल वो बने होते हैं कबीर सिंह
वो एनएक सी लगा के रेड कलर की येलो कलर की, तो सस्ते कबीर सिंह और यहाँ का वो हम फिल्टर लगा दें उसका पकड़ के रेड कलर का, तो सिर्फ कौन सी आएंगी आगे, रेड की। तो फ्रिक्वेंसी वाला मसला हल हो गया, लाइट मोनोक्रोमेटिक हो गई, लेकिन क्या होगा फेज सेम नहीं होगा। अब फेज सेम नहीं होगा जिसकी वजह से, एक तो फेज सेम नहीं है, दूसरा इनमें डायरेक्शंस में इशू आ जाएगा, तो ये क्या होगी आगे की तरफ स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी ऐसे, और जब ये स्प्रेड होगी तो इसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है शिद्दत, और उसका फार्मूला क्या होता है, इतनी शिद्दत से तुम्हें नहीं, वो शिद्दत वाला शेर था कोई, नहीं नहीं इतनी शिद्दत से फोर्स लगाई है, चलो तू तो तरसा पे है। ये देखो भाई इंटेंसिटी होती है पावर ओवर एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं शिद्दत। ये इंटेंसिटी है पावर, पावर होती है डब्ल्यू बाई टी, बटे का बटा बटे में चला गया, ओवरऑल एरिया के क्या है इनवर्स, इसका मतलब है एरिया बढ़ता जाएगा तो शिद्दत कम हो जाएगी, एरिया कम करो तो शिद्दत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि काम उतना ही होना है, पावर उतनी ही डिलीवर होनी है, लेकिन एरिया कम करने से शिद्दत की मिकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एरिया कम होने से शिद्दत की मिकदार बढ़ जाएगी। अगर ये मिकदार, अब यहां पर तो वो क्या कर रही है, चीज फैल रही है। दूसरा, अब ये सारी वेव्स जो हैं वो मल्टीपल फेज पे हैं, यानी कि सबके फेज डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कोई एक वक्त किसी जगह पर स्ट्राइक करेगी और कोई किसी जगह पर, जिसकी वजह से इनकी शिद्दत भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो हमने इनको कोहेरेंट करना, कोहेरेंट का मतलब है एक दूसरे के बिल्कुल सेम करना है, तो जब ऐसे करेंगे तो इनकी शिद्दत बड़ी इंटेंस हो जाएगी, बहुत ज्यादा शिद्दत में ही आ जाएगी, इंटेंसिटी इनकी बढ़ जाएगी। दूसरा, सेम फेज हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगी, और सेम ही क्या हो जाएगा इनका फ्रिक्वेंसी, हाँ कर सकते हैं। तो ये क्या, लेकिन ये चीजें हमारी जाया हो जाएगी, बल्ब को हमने एनर्जी दी लेकिन उसने ये सारा बनाया गंद, इस गंद में से हमने सिर्फ ये निकाल लिया, इस गंद में से भी ये निकला, तो जो इतना गंद जाया हुआ वो क्या हुआ, जाया हुआ। तो ये जो हमें मिला, ये इसकी शिद्दत भी क्या होगी, होगी अब तक कम होगी होगी। अब हमने एक ऐसी चीज बनानी थी जो ये काम बगैर इस सारे चक्कर के कर दे, वो कौन है, वो लेजर है। लेजर लाइट जो है वो असल में लेजर लाइट होती नहीं है, वो लेजर ही एक वर्ड है, लाइट तो आप अपने पल्ले से लगा रहे हो, हाँ मारते नहीं है वैसे चलाते हैं, तो वो जो लेजर लाइट है, वो जो लाइट है वो उसके अंदर ऑलरेडी आ रहा है ना, जैसे आप लोग अक्सर बोलते हो एसी करंट, एसी करंट, हालांकि वो पूरा नाम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, करंट अच्छा लगेगा, करंट को बुरा लगेगा, अल्टरनेटिंग करंट एक वर्ड पूरा है, ठीक लग रहा है। तो ये वाला काम जो वो लेजर कर देगी, लेजर क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन। अब एम्पलीफिकेशन क्या है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक नहीं, ट्रैक्टर है, हाँ ये हो सकता है, जाओ देख के आओ, अब इसकी एग्जाम्पल यूं ही है कि एक बहुत बड़े, शुक्रिया लिख लिया ये, अच्छा एक हाल के अंदर अगर आप काफी ज्यादा लोग टांग खड़े हो तो दरवाजा एकदम खुले तो क्या होगा, आप सब लोग भागोगे तो वो रैंडम फुट्स के निशान आएंगे, वो हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी क्या होगी, मल्टीपल डायरेक्शन में लेजर ऐसे चलती है, ऐसे ही इनकी आर्म लाइट होती है। लेजर क्या करेगी, लेजर एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में सबको चलेगी, सेम इंटेंसिटी, देखो सब लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो शिद्दत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, सब सेम जगह पर सेम स्टेप रखेंगे तो फेज क्या हो जाएगा, सेम फेज, सेम होने का मतलब है सब लोग सेम जा रहे होंगे तो सेम लोग है सब लोग, तो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक भी हो जाएगी और कोहेरेंट भी हो जाएगी, क्योंकि फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इसके अंदर ना हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, सबसे पहले तो है कि हमारे पास एक आती है अब्सॉर्प्शन, ठीक है, अब्सॉर्प्शन क्या आती है कि हमारे पास जो लाइट है उसने क्या करना है, या कोई भी चीज अब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है, जज़ब करना, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक नई टर्म होगी इंड्यूस्ड अब्सॉर्प्शन, इंड्यूस का मतलब क्या होता है, उभारना, यानी कि ये अब्सॉर्प्शन ऐसी है जिसमें
खुद उस चीज को क्या किया होगा, मजबूर करेंगे हम कि वो अपने आप उस चीज को क्या करे, अब्जॉर्ब करे। अब वो कहता है कि अगर ये मेरे पास एक एटम है, इसके अंदर सबसे पहला जो शेल होता है, इस शेल का नाम क्या होता है? वैलेंस शेल। वाह बेटे वाह, के शेल। वैसे इसका नाम क्या होता है, जनरल नेम? लेवल, लेवल के नाम से हिंट दे देता हूँ। कौन सा लेवल होता है ये? ग्राउंड लेवल। कौन सा लेवल? ग्राउंड लेवल। ठीक है, पहला लेवल कौन सा होता है? ग्राउंड लेवल। इससे ऊपर हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट शेल, फिर शेल शेल चलते जाए, और आखिरी शेल का नाम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं उसका नाम क्या होता है? वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल। अगर कुछ लोगों ने यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रखी है, गलती से, अब ये जो ग्राउंड शेल है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों की एनर्जी सेम होगी डिफरेंट होगी? सेम होगी, सिर्फ फर्क कहाँ पे होगा? हाँ, डायरेक्शन में, स्पिन स्पिन स्पिन, ठीक है। लेकिन जो दूसरा शेल है, इनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? केमिस्ट्री पढ़ी है? दूसरे में होंगे, होंगे मतलब अगर होंगे तो क्या होगी, इनकी डिफरेंट होगी, क्योंकि जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, जो दूसरा शेल है ये अब्बू जी हैं, इसके आगे कुछ बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे कौन है? सब शेल, एस और पी, पी के आगे फिर बच्चे हैं, मतलब वो दादा बन गया, ठीक है, एक्स वाई और जेड, और उन सब की एनर्जी भी क्या है? डिफरेंट है। कैसे पता चलता है? वो जो आपने पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़े थे वहाँ से, और दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, वहाँ से। लेकिन ये हमारी इस वक्त नहीं है हिस्सा, तो हम इसे मोटा मोटा पढ़ते हैं, मोटा मोटा। ये आपके पास है जी एक इलेक्ट्रॉन, मस्त जिंदगी गुजार रहा है इधर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, इसको ये खुद ब खुद ऊपर वाले शेल में जा सकता है जब ये तंग होगा किसी भी वजह से, वो होगी अब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर मैं हाँ, तो अगर मैं इसको तंग करूं, कैसे तंग करूं? अब मुझे पता है मैंने इसे ऊपर वाली स्टेट में पहुंचाने के लिए इसको इतनी सीढ़ियों का डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वो एनर्जी मेरी क्या कहलाएगी? वो जो एनर्जी है, वो वाली एनर्जी मैंने खुद पल्ले से दी, और वो कितनी होगी? कितनी होगी? हाँ, कितनी होगी कि ये अगर आपके पास E1 लेवल है और ये EG लेवल है, तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी E1 में पहुंचाने के लिए? E इज इक्वल टू E1 माइनस EG, और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू HF, और जो आगे से आ रहा है ये फोटोन, इसकी एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू HF। वो इस ग्रीन इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने आप को एक्साइट करके, यानी कि इधर से उठकर ऊपर चला जाएगा। इस पूरी स्नाह के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली या पूरे एटम को मिली? इलेक्ट्रॉन किसके घर का मेंबर है? तो फिर एनर्जी कहाँ गई? एटम को मिली। सारी एनर्जी किसे मिली? एटम को। तो अगर ये एटम ए था, तो कुछ देर के बाद इसे हम लिखते ऐसे हैं, ए स्टेरिक बन जाएगा। स्टेरिक का मतलब है ये क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। और ये जो एनर्जी है, इसका नाम हमने पीछे पढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉन को या एटम को लोअर ग्राउंड लेवल से उठाकर हायर ग्राउंड लेवल पे फेंक देते हैं, उस एनर्जी का नाम क्या होता है? आयनाइजेशन। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, अरे नहीं, शाबाश मुन्ना, बहुत बढ़िया। एक्साइटेशन एनर्जी, वो आयनाइजेशन कौन सी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाता है? ये कौन सी है जिसमें एक्साइट होगा, जिसमें निकलेगा, वो एनर्जी क्या कहलाती है? एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा, ये फोटोन गायब हो जाएगा, खा जाएगा, और खाने के बाद कहाँ चला जाएगा? एक इससे अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में, या जिस लेवल के एनर्जी डिफरेंस की आपने से क्या प्रोवाइड की है? एनर्जी। तो इस ये क्या ये खुद गया, क्या इलेक्ट्रॉन खुद गया या भेजा गया? तो फिर क्या हुआ? इंड्यूस, मतलब के इसको हाइब्रिडाइजेशन हो। यार मुझे केमिस्ट्री नहीं आती इतनी, अगर आप इसको ना देते तो ये खुद ही जाता।
यार क्या कर रहे हो? अगर मैं इधर ये बनाऊं एनर्जी लेवल्स, लेट्स सपोज कि मैं इन्हीं दो लाइनों का काट के इधर रख लेता हूं, तो अब इधर ना मैं इधर बुक ने अक्सर बच्चे समझते हैं ये इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं बना हुआ, इधर कौन बना हुआ है? आपका एटम बना हुआ है पूरा। जैसे कि अगर आप उस चैप्टर में जाओ, चैप्टर नंबर 19 में, तो उसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि एक एक आपके पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग कंप्रेस्ड है और एक स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है। तो जो कंप्रेस स्प्रिंग है उसके अंदर आपने बताना है कि उसका मास ज्यादा होगा कंप्रेस स्प्रिंग का या सादा का। हमने कहा था भाई आइंस्टाइन के मुताबिक उसमें क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, ये वाला जो काम हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो कि मस्त अपनी जिंदगी जी रहा था किसमें? ग्राउंड लेवल में, अनएक्साइटेड था, ये कहां पर चला गया? E1 में। कहां से उठ के? EG से उठकर कहां चला गया? E1 में। बट अब ये क्या कर रहा होगा? अब ये एक्साइटेड है बिकॉज इट हैज एनर्जी, और ये एनर्जी हमने इसे खुद दी थी, ना कि इसने खुद किसी से ली थी। तो हमने करवाया तो क्या हो गया? इंड्यूस। अब हमें पता है कि ये अपनी जिंदगी ऊपर गुजार नहीं सकता, ठीक है, ये अपनी वापस अबाव अजदादी जगह पर लौटेगा। कौन लौटेगा? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लौटेगा तो हमें पता है कि ये हायर से लोअर जब आएगा तो एक एनर्जी का क्या इमिट करेगा? फोटोन। वो भी किसके बराबर होगा? E=hf। तो जब ये इधर से, ये तो खत्म हो गया था ना, ये वापस आ गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब कहाँ थे? इधर से इधर आएंगे तो ये एक एनर्जी का फोटोन इमिट करेंगे, जिसकी एनर्जी क्या होगी? इन दोनों के एनर्जी लेवल के बराबर। अगर तो ये खुद आएगा तो इस खुद का वर्ड जो है वो इंग्लिश में कहलाता है स्पॉन्टेनियस। क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस हमारे पास कई ऐसे प्रोसेस हैं जो कुदरत के खुद ब खुद होते हैं, जैसे कि हाई लेवल पर पानी छोड़ो तो खुद ब खुद नीचे आता है, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियसली काम होना। तो ये काम कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। तो इधर एक टर्म आ जाएगी स्पॉन्टेनियस मिशन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये खुद ब खुद ऊपर से कहाने की तशरीफ फरमा करेगा नीचे, क्योंकि ये अपनी जिंदगी वहां पर गुजार नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन जिंदगी नहीं गुजार सकता तो ये एनर्जी इमिट कर देगा। ओवरऑल एनर्जी कहां से गई? एटम से। तो एटम भाई साहब वापस कहां पर आना शिफ्ट होंगे? ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, और वापस अपनी एनर्जी स्टेट ग्राउंड में आ जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये हुआ, हम बताता हूँ ये क्या हुआ। ये स्पॉन्टेनियस हुआ खुद बा खुद। लेकिन अगर स्टिमुलेटेड की बात करें तो वो क्या होगा? स्टिमुलेटेड का कंसेप्ट दिया था 1917 में आइंस्टाइन ने, ठीक है। स्टिमुलेटेड मिशन अब आपने समझना है। जैसे वो कहता है कि स्टिमुलेटेड के साथ आप एक और वर्ड लगा सकते हो अपने पंगे वाला, इंड्यूस्ड मिशन। यानी कि एक तो वो काम है कि वो खुद ब खुद आए, और एक ये काम भी तो हो सकता है कि आप में से कोई बंदा उसे धक्का दे दे वहां पे जाके, तो वो जो धक्का दिया वो हमने दिया, तो वो इमिशन कैसा होगा? इंड्यूस्ड। अब हमें पता है कि हम एटम के अंदर ये तो जा नहीं सकते कि वो इलेक्ट्रॉन मास्ट ऊपर बैठा हुआ है छत पे, आप इसे जाके धक्का दे दो चाल भाई नीचे। अब उसको धक्का देने के लिए भी उसकी तरह की लेवल की कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। हम क्या यूज़ करेंगे? हम इधर क्या करेंगे? ये तो ये वाला इमिशन है जो खुद ब खुद होना, और इधर से एक फोटोन निकलना है। एक ये वाला इमिशन होगा, एक ये वाला इमिशन होगा EG E1। इधर कौन बैठा हुआ था? इलेक्ट्रॉन, लेकिन कैसी स्टेट में बैठा हुआ था? एक्साइटेड स्टेट में। तो इधर से हम क्या करेंगे? आइंस्टाइन के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन को फेंकेंगे, जिसकी एनर्जी क्या होगी? इस एनर्जी के बराबर होगी। ये फोटोन जैसे इसके करीब पहुंचेगा तो इसको क्या करेगा? जाते जाते ऐसे समझ लो एक किस्म का धक्का मिल जाएगा। ये जो पहले खुद ब खुद आ रहा था, ये क्या करेगा? इसके साथ ही नीचे का, ये इधर जा रहा है और ये नीचे। अब हमें पता है जब ये नीचे आना शुरू होगा तो एक फोटोन इसका था जो पीछे से आ रहा था, और एक फोटोन ये वाला मिल गया इसे, दो फोटोन हो गए। तो क्या एक भेज कर दो मिल गए? इस वर्ड का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? तो लाइट क्या हो गई? एम्पलीफाई। ये कंसेप्ट दिया बाबा आइंस्टाइन ने कब? 1917 में, और 1960 में जाकर पहली लेजर बनी, ठीक है। पहली लेजर जो थी उसके अंदर ये वाला ये प्रोसेस को यूज किया गया, ठीक है।
1960 में एक और काम भी हुआ था, किसी को पता है? पाकिस्तान बने में 13 साल हो गए। क्या बात है। हाँ 1960 में और कौन सा काम हुआ, किसी को याद है? 1960 में ही। हाँ उस दिन का मुआयदा हुआ था। फिजिक्स में क्या काम हुआ था? फिजिक्स में या साइंस में? एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल। वो इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा नहीं है तभी टाइम है, टाइम का 5 मिनट ऊपर हो गया। चाह यार तुम जा मार ना जाएंगे। ठीक है तो ये टाइम मशीन बना के पीछे जाने का मौका मिले इस बंदे को कत्ल कर दिया होगा आइंस्टाइन को। तो लान दी टाइम मशीन भी तो इसकी वजह से बनेगी, वहीं फंस जाएगा तू। ठीक है तो ये क्या होगा, ये दो फोटॉन्स निकलेंगे तो इसका मतलब है एक भेजा मिले कितने दो, तो लाइट क्या हो गई एम्पलीफाई हो गई। ये था आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन, क्या निकल रही है रेडिएशंस, तो क्या हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब लेजर बनाने के लिए ना हमें दो चीजें चाहिए, ये जो लेजर का प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं लेजर एक्शन, एक्शन जैक्सन। आगे वाला टॉपिक रह गया बस छोटा सा। ठीक है उसे क्या बोलते हैं लेजर एक्शन। लेजर एक्शन दो काम दो चीजों पे चलता है, एक तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन, एक चीज और होती है वो इधर लिख देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं। एक तो हो गया आपके पास साठ की मिल जाती है ना, तो चाइना में तो वही 10-20 की भी मिलती है क्योंकि प्रॉफिट रख के मिल रही होती है, तो ये सारा काम हो रहा होता है उसमें। क्या सस्ते पैसों की बात नहीं करो, इधर इधर इसके पीछे प्रोसेस हो ना। अब देखो किसी जमाने में कहते थे कि सोलर एनर्जी जब आएगी तो दुनिया में पता नहीं क्या हो जाएगा, इतनी सस्ती एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, तो एक पूरा मतलब वो कह लो कि रेवोल्यूशनरी इफेक्ट आ जाएगा। सुन ले यार प्राइम मिनिस्टर जी है। अच्छा ठीक है तो जो अब है, अब आप देख लो सोलर प्लेट 15-20 हज़ार की मिल जाते, किसी जमाने में लाख लाख में थी ये, छोटी छोटी चिप्स बड़ी महंगी होती थी इनकी। ठीक है अब एक और टर्म इसमें यूज होती है, वो होती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का उल्ट हो जाना, मतलब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी उल्ट हो जाएगी। आप मुझे बताओ जो आपके पास कोई भी मटेरियल है जो ये बना रहा है उसके अंदर पॉपुलेशन से क्या मुराद होगी, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं एटम्स। ठीक है उसकी आबादी क्या है एटम्स। अब उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स हैं वो अमीर तरीन हुए पड़े हैं और कुछ गरीब गुर्बत में जी रहे हैं, अब इनका क्या हल किया जाए। किधर आ रही है, अच्छा सॉरी